प्रधानमंत्री फोकस रे मिशन पूर्वोदय पूर्वोदयर विकास पथ ओडिशा रेल बजेट रे पुणी थरे ओडिशा को मिलला अग्राधिकार अनुदान क्षेत्र में राज्य को केन्द्र सरकार देले बड़ उपहार 2021-22 आर्थिक वर्ष लगी प्राय 7,000 कोटी टंकार रेल अनुदान जोगाई देबा को केन्द्र सरकार को घोषणा पूर्वतट रेलबाई आकलन अनुजाई यह गत वर्ष तुलन में 60% अधिक अनुदान केन्द्र रेलमंत्री घोषणा अनुसार 5,528 कोटी टंका समेत प्लान हेड इन टर्म्स ऑफ न्यू लाइन दोहरीकरण ट्रैफिक दोहरीकरण आरबी आरयूबी बाबद को मिली टंका नजर पकातु के प्रकल्प को मिली केते टंका 299 किलोमीटर खोर्धा रोड बलांगी रेल लाइन 1,050 कोटी 98.7 किलोमीटर अनुगुल सुकिंदा रोड रेल लाइन 400 कोटी 22 किलोमीटर हरिदासपुर पारादीप रेल लाइन 100 कोटी संबलपुर तालचेर 174 किलोमीटर रेल लाइन दोहरीकरण 173 कोटी संबलपुर टीटलागढ़ 122 किलोमीटर रेल लाइन दोहरीकरण 200 कोटी टीटलागढ़ विजयनगरम 264 किलोमीटर तृतीय लाइन 300 कोटी राउरकेलार झारसुगुड़ा तृतीय लाइन 230 कोटी तेज इन केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहते चलित बजेट रे रेल क्षेत्र लगी ओडिशा को दिया अनुदान रो अर्थ राज्य रे रेल भित्तिभूमि और रेल संजोग स्थापन को सुदृढ़ करने सह यात्री को सुविधा बढ़ाइबारे सहायक होब केवल जनजाति अंचल रे रेल संजोग स्थापन करिवो नहीं बरंग स्थानीय अर्थनीति को मध्य समृद्ध करिवो बोली कहिसेंति धर्मेन्द्र तेबे दीर्घ दिन धरी क्षमता रही किछि लोक कुंभीर कांदणा कांदुछन्ति आ किछि लोक नई न देखुणु व्यस्त होउछन्ति 2009-2014 मध्य राज्य को हाराहारी 838 कोटी टंका मिलता बेले 2014-2019 मध्य हाराहारी 4,126 कोटी मिली जहां 400 गुणा अधिक 838 बनाम 4,126 पाखापाखि 400 गुण वृद्धि ओडिशा प्रति दायित्व किए नौची ओडिशा प्रति प्रतिबद्धता कार अधिका अच्छी ओडिशा लोकों को किए अधिका भल पाउची इतु तार प्रमाण होची शिल्प समृद्ध पर्यटन समृद्ध कृषि समृद्ध मानव संबल समृद्ध ओडिशा को पूर्वोदयर प्रवेश पथ बनेमा पाई रेलवाई विभाग तरफ एतिकी बड़ दायित्व नेथिवारु धन्यवाद सेपटे राज्य रे रेल लाइन रो दोहरीकरण पाई 1,702 कोटी टंका मिलिथिबा बेले नुआ लाइन रो कार्य पाई 1,553 कोटी टंका अनुदान मिलिछि एहा स यात्री सुविधा पाई 2020-21 आर्थिक वर्ष रे 90.8 कोटी टंका दिया जाइथिला मात्र 2021-22 आर्थिक वर्ष पाई एहा को वृद्धि करा जाय 300.8 कोटी टंका करा जाइछि अनुकूल इलेक्ट्रिक लोकेशन होल्डिंग कैपेसिटी को 100 इंजिन रो वृद्धि करा जाय 150 इंजिन को करा जाइछि कलाहांडी रे इलेक्ट्रिक इंजिन ओवरहॉलिंग वर्कशॉप मध्य प्रतिष्ठा करबा ने बजेट रे घोषणा करा जाइछि मात्र राज्य रो परिवहन मंत्री कहिछन्ति चलित रेल बजेट आम पई संपूर्ण नैराश्यजनक आम जो 7,200 कोटी टंका अनुदान आम मागिथिलु रेल प्रकल्प पई विभिन्न ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नुआ प्रोजेक्ट विभिन्न प्रोजेक्ट पड़ती से मात्र 4,500 कोटी टंका दिखाई से पुणा जो खोर्धा बलांगीर 500 कोटी टंका अंतर्भुक्त रही तेणु बजेट आम निश्चित भाव नैराश्यजनक तबे केंद्र सरकार 2021-22 आर्थिक वर्ष लगी रेल बजेट घोषणा करने पर राज्य राजनीति बेस सरगरम होइछि अनुदान को नहीं उभय शासक और विरोधी मुहांमुही होती रेल अनुदान में ओडिशा को उपेक्षित करा प्रसंग बीजेडी उठाइथिबा बेले कांग्रेस कहिछि जहां आशा करा जाउथिला ताहा मिली नाही अन्यपटे बीजेपी जवाब ओडिशा को उपेक्षा नुहे बर अपेक्षा ठारु अधिक मिली अनुदान आज पर्यंत जमी आगुरी थी भी से भाई कंटिन्यू करुच्ची कि कौन सी नूतन लाइन को एथर सांक्शन कराई शीतलपल्ली वागन फैक्ट्री ता विषय किसी कहुई ना केत गुड़े प्रोजेक्ट जो गुड़ाक स्टेट गवर्नमेंट रेडी बस लैंड छा पैसा देवाई 50% रेडी अच्छी से गुड़ा नि रेल बजेट पुनर्बार ओडिशा को उपेक्षित करगेट कर चेन्नई और वेस्ट बेंगल बजेट कारण सेठी निर्वाचन अच्छी किंतु ओडिशार आवश्यकता दृष्टि एवं रेलवे राजस्व अभिवृद्धि दृष्टि जो पदक्षेप नेबा कथा रेल बजेट रे ताहा निया जाय नाही उपेक्षा कथा जो माने कहउचंती अपेक्षा तारु बहु अधिका दिया जाय छी उपेक्षा कोठ हैला जहां अपेक्षा थिला ताडु बहुत अधिका दिया जाय छी कोठी सोइथिले 10 वर्ष काल जतो उपा सरकार थिला दिने पार्टी फेटे नथिले
10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 4232 କୋଟି 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 30,000 କୋଟି କୋଟା ବଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳବାଇ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର 6 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରେଳଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। 2020 ଏପ୍ରିଲ ପହିଲା ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 39ଟି ରେଳବାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରାୟ 62,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏବେ ଯୋଜନା ଅନୁମୋଦନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦେବଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ବି ରେଳ ନେଟୱାର୍କରେ ସାମିଲ ହେବା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।